यहाँ पर देख से एक दो गाइस हमारा होममेड पावर बैंक, हम इसे एक पीवीसी पाइप की मदद से उसको बनाया है। सबसे पहले उसका डाटा केबल हमने लगा दिया, उसके बाद चलिए एक मोबाइल लेते हैं और अभी उसे कनेक्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बराबर हमारा जो चार्जिंग अभी हो रहा है। तो चलिए गाइस और एक बार उसे खोलते हैं और उसका टेस्टिंग लेते हैं। देख लो चार्जिंग अभी डिसकनेक्ट हो गया। तो चलिए मोबाइल को अप करते हैं, अभी इसे कनेक्ट करते हैं। देखो बराबर वो वर्किंग कर रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले गाइज हमें एक पीवीसी पाइप लेना है, जो कि हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो यूज करते हैं पीवीसी पाइप वायरिंग के लिए। उसके बाद गाइज इस तरह से उसको गरम करके कटिंग कर लेना है। उसके बाद गाइज एक मार्कर की मदद से उसका राउंड वाला एक नाप लेना है, राउंड सा एक कटिंग करना है। माल की देर है। उसके बाद गाइज हमें एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग प्रोटेक्शन एक किट लेना है। उसके बाद गाइज यूएसबी एक फीमेल सॉकेट लेना है। तो गाइज इस तरह से उसको कटिंग कर लेना है। हम यहाँ पर यूएसबी जो फीमेल सॉकेट को लगाने वाले हैं, देख लो इस तरह से हमने लगा दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा यूएसबी प्रोटेक्शन सर्किट बोर्ड है, ये देख लो। चलिए गाइज सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो उसका कनेक्शन, ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। गाइज यहाँ पर सर्किट यूज करके ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर हम 3.7 वोल्टेज लिथियम बैटरी का यूज करके यहाँ पर हम जो 5 वोल्टेज ले सकते हैं और अपना जो मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। गाइज ये हम क्यों यूज कर रहे हैं कि सर सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख लो। तो चलिए हम क्या करना है, उसे ग्लू गन की मदद से इसे लगा देना है अच्छी तरह से। उसके बाद गाइज तो चलिए पावर बैंक सर्किट बोर्ड को भी अभी ग्लू गन की मदद से चिपका देते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो दोनों किट अभी रेडी है। तो गाइज सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पीवीसी पाइप को यहाँ पर जो हम फेविक्विक की मदद से यहाँ से थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा देना है। उसके बाद जो हमने जो सर्किट बनाया था वो सर्किट को अभी यहाँ पर फिट करना है। देख लो इस तरह से उसको फिट करना है। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो सर्किट अभी बन के तैयार है, एक तरफ हो गया। तो गाइज उसके बाद क्या करना है, हम एक लिथियम बैटरी लेना है, 3.7 वोल्टेज का लिथियम बैटरी, ये रिचार्जेबल बैटरी है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो गाइज हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए इसे अंदर लगा देते हैं। उसके बाद हमें एक यूएसबी केबल लेना है, जो कि फीमेल सॉकेट लेना है। इस तरह से इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद गाइज तो चलिए इसको लगा देते हैं सोल्डिंग करने के बाद। देख लो कनेक्शन। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पावर बैंक अभी बन के तैयार है। तो चलिए गाइज उसका टेस्टिंग लेते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर देख सकते हो हमने जो पिछला वीडियो में एक बनाया था यूएसबी लाइट, तो चलिए यूएसबी लाइट को अभी कनेक्ट करते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की नए नए अपडेट वीडियो आगे भी मिलती रहेगी।